मोहम्मद रिजवान ने क्या गुफ्तगू की हमारे कोरेस्पोंडेंट कादर ख्वाजा से, आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे इस वक्त मेरे साथ मुल्तान सुल्तान के बड़े सुल्तान मोहम्मद रिजवान कप्तान मौजूद हैं। रिजवान भाई, तीसरी मर्तबा फाइनल में आए और एक मर्तबा जीता, दूसरी मर्तबा हारे, तीसरी मर्तबा फाइनल में है मुल्तान सुल्तान। ऐसी क्या खीदर सिंगी है मुल्तान सुल्तान के पास जो फाइनल में ही आती रहती है, सारी टीमों को पिछाड़ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिदड़ सिंह जो नहीं, कोशिश करते हैं कि फाख्ता लेने के लिए हम कोशिश करते हैं, मगर बहरहाल क्या कहते हैं, लड़कों की मेहनत है, मैनेजमेंट है और पूरे मेरे ख्याल से जो फोकस होता है तो अल्लाह पाक जिस तरह फरमाते हैं, जिस तरह आपको गुमान होता है तो इसी तरह आपके साथ मामला करता हूँ। तो सारा सब का मिला के बेसिकली ऐसे नहीं कि आप 11 जो प्लेइंग 11 है, मैं समझता हूँ कि रिजल्ट ओनर से लेके अगर हमारे पास कोई हेल्पर भी होगा तो उसकी भी ड्यूटी ये चीज़ हो, जो जितना फोकस होगा, जितनी चीज़ें होगी तो इससे रिजल्ट आसानी से आता है। तो कोशिश की उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, जिस चीज़ से रिजल्ट आती है उन चीज़ों को देखा हमने। इस चीज़ों को नहीं देखा कि बड़े नाम हो, बड़े प्रोफाइल हो, बड़ी चीज़ें हों, उन पर कभी फोकस नहीं की। फोकस उस चीज़ों पर किया कि जिस डिमांड से अल्लाह पाक देने की कोशिश करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश की। रिजवान भाई, हमने ड्राफ्टिंग में देखा है कि पिक में आपने उठाया उस्मान खान को भी, शानी भाई आपके साथ ओपनिंग करते रहे हैं, उस्मान खान भी ओपन आता रहे, तो ऐसा क्या है कि मोहम्मद रिजवान जिस दिन नहीं चलता उस दिन उस्मान खान तेज तरीन सेंचुरी बना देता है, फिर उसके बाद वो नहीं चलते तो रोसो आ जाते हैं, पुलार्ड अच्छी इनिंग खेल जाता है, तो क्या समझते हैं कि ये कम्बिनेशन बेहतरीन, आप समझ रहे हैं PSL की तमाम टीमों से बेहतरीन कम्बिनेशन है? नहीं देखिए जी, सबसे पहले अगर आप जैसे कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वाह जी हमारी टीम थी क्या कहते हैं मुल्तान की, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि सबसे वीक बॉलिंग लाइनअप इसकी है, मगर अभी हम सब कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट टीम जो कम्बिनेशन के हिसाब से बनी हुई है मुल्तान की है। तो ये चीज़ों को करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, कहीं पर हर एक टीम की वीकनेस भी होती है, स्ट्रेंथ भी होता है। अगर अभी आप देखें कोई ड्रॉप होता है तो हम बेसिकली मेरे ख्याल से हम शायद बाहर लोगों को लग रहा हो कि ये ड्रॉप हुआ है, मगर हमारे टेक्टिकली पॉइंट से कोई ड्रॉप नहीं होता, उसको रेस्ट किया जाता है और हम चेंजेस भी टेक्टिकली पॉइंट से ही करते हैं, ऐसे नहीं कि क्योंकि आप अगर आप देख रहे जैसे शान मसूद की परफॉर्मेंस है, कोई उस पर बात नहीं कर सकता हमने सर से परफॉर्मेंस की है, मगर हमने टेक्टिकल पॉइंट के थ्रू उस्मान खान को लाया, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी, शो कर दिया। सेम ऐसे अगर आप फास्ट बॉलर की बात करें जिसमें समीन बॉलिंग अच्छी कर रहा था, फिर इलियास को लेके आए तो उसने परफॉर्म किया उस मैच में, 2 ओवर में 12 रन दिया, 2 आउट किए, तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि जो टेक्निकली चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनको करने की कोशिश करते, जिसकी वजह से अल्लाह पाक एंड मौके पे सबसे परफॉर्म करवा रहा है। अच्छा रिजवान भाई, लास्ट में ये है कि फाइनल में हम अभी तो आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं प्री फाइनल, और फाइनल के बाद ट्रॉफी पकड़ के इंशाल्लाह ताला हम इंटरव्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ज़रूर इंशाल्लाह ने चाहा तो। देखिए जी, हमारी ख्वाहिशात दूसरी टीमों की ख्वाहिशात भी तो यही होती है, और किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि PSL जैसे टूर्नामेंट है और उसका ट्रॉफी लिफ्ट करें, मगर हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आए इसीलिए, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि दूसरी टीमों से चीज़ें ज़्यादा करें उस लिहाज से जिससे अल्लाह का रिजल्ट देता है, क्योंकि रिजल्ट अल्लाह जल्ले जलालुहु के हाथ में, मगर जो रिक्वायर्ड है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुल्तान सुल्तान के बड़े सुल्तान, पूरी उम्मीद है कि फाइनल में ट्रॉफी वो जरूर उठाएंगे, उनका बेहतरीन कम्बिनेशन है और बॉलिंग जो है खासतौर पर उनकी बेहतरीन है, अब्बास अफरीदी भी और एहसानुल्लाह भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसामा मीर का कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, मुकाबला होने वाला है करारा, बिकॉज जहां हम लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की बात करते हैं वहां मुल्तान सुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग भी, इस वक्त दोनों जो टॉप विकेट टेकर्स हैं वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से हैं। मिसबा, दोनों टीम्स की अगर हम बात करें, हम कहते हैं ना विनिंग इज़ अ हैबिट, और आप फाइनल में आते हैं तो फाइनल का प्रेशर आपको जो है वो हैंडल करना आता है। दोनों टीम्स की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ऑन दी ट्रॉट तीसरी दफ़ा फाइनल में पहुँची है, लाहौर कलंदर्स 4 साल में तीसरी दफ़ा फाइनल में पहुँची है, दोनों को पता है कि फाइनल कैसे खेला जाता है और फाइनल का प्रेशर क्या होता है। जी बिल्कुल, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बिलीव होती है जब आप ऐसे बड़े मैचों में पहुंचते हैं, तो वो एक जो आपको उसको जीतने का भी पता होता है कि कैसे हमने और उसको हैंडल कैसे करना है प्रेशर को, उसकी भी आपको थोड़ी सी आदत होती है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सडनली आप जब पहली दफा किसी ऐसे ओकेजन पे पहुंचे हैं तो एकदम आपको जो है वो प्रेशर बिल्कुल ही जो है वो आपको आपकी अपनी गेम हर चीज पे हावी हो जाता है। तो जो टीमें पिछले 2-3 या 4 सालों में मुसलसल इस स्टेज पे पहुंच रही हैं तो उनको पता है कि प्रेशर होगा, इसको कैसे हैंडल करना है, और दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर हैं कि जो क्रंच सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, जिन्होंने ऐसे पता नहीं कितने टूर्नामेंट्स के फाइनल खेले हुए हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ बैटल बिटवीन द नर्व्स ऑल्सो, दोनों टीमों में कौन नर्व्स को बेटर जो है वो अपने संभालेगा इस प्रेशर सिचुएशन में, ये भी एक गेम या मैच विद इन द मैच होगा। और आई थिंक फाइनल और इन मैचों में
आपकी जो स्किल है या जो आपकी टीम का बैलेंस है वो एक साइड पे हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ऑन अ डे उस प्रेशर को कौन सी टीम ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करती है। बिल्कुल, माइंड सेट और मेंटली कौन सी टीम स्ट्रांग होगी वो बहुत मैटर करेगा दोनों टीम्स के, क्योंकि इतनी वेल बैलेंस्ड है। अगर हम इनके हेड टू हेड पे नजर डालते हैं, टोटल वेल बैलेंस्ड हेड टू हेड भी है। मतलब बहुत ही मुश्किल था ये डिसीजन लेना कि किसको चुना जाए, कौन सी टीम जीतेगी। लुकिंग एट दी हेड टू हेड ऑफ मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, तो इन दोनों टीम्स के दरमियान है वो 16 मैचेस खेले गए हैं। और जब हमने लास्ट टाइम हेड टू हेड दिखाया था तो लाहौर 8 थी और मुल्तान 7 था, मगर इक्वलाइज कर दिया उसको और इस वक्त दोनों जो हैं वो 8-8 पॉइंट्स पे मौजूद हैं, विच मींस कि ये बहुत ही एक बैलेंस्ड मुकाबला होने वाला है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्रैकर ऑफ अ फाइनल। इंजी भाई, जब मैं मुल्तान सुल्तान की बात करती हूँ, जब मैं लाहौर कलंदर्स की बात करती हूँ, दोनों एग्जुबरेंट कैप्टन्स हैं, दोनों की जो है वो ज़बरदस्त बोलर्स हैं, दोनों की बैटिंग भी बहुत अच्छी है, कौन सा एक ऐसा की फैक्टर, मतलब तुरप का पत्ता मैं अगर आपसे पूछूँ तो कौन लगता है आपको आज आज जो कि बहुत ज़रूरी होगा फाइनल में? दोनों टीमों की जो बैटिंग है ना, ये सॉरी मुल्तान की जो बैटिंग है और लाहौर की बॉलिंग की बात कर रहे हैं कि इन दोनों का कंपटीशन देखने में आया कि मुल्तान के जो बॉलर्स है ना जिन्होंने विकेट ले रखी हैं, तो अगर जिस तरह हमारे हमारे खिलाफ मैच में उन्होंने हमें 240 कर दिया था, उनकी बैटिंग ने ना बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करके दे देती है अपनी बॉलिंग को। तो जहां मुल्तान की बॉलिंग है ना आपको अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि जी असल में बॉलिंग का इम्तिहान होता है कि जिस टाइम आप थोड़ा स्कोर डिफेंड कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम आपका पता चलता है कि जी आपकी बॉलिंग में कितनी डेप्थ है। जिस तरह लास्ट मैच भी था तो इन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा करके दे रखा था। अच्छा, जो आपने मेरे से पूछा कि जी मेन आदमी कौन होगा जी, इसमें फखर जमान है ना इस दोनों टीमों में ना फर्क है ना क्रिएट करेगा, वो इसलिए कि अगर जिस दिन फखर जमान स्कोर करता है ना तो लाहौर कलंदर की जो सी बैटिंग है ना वो टोटली चेंज नजर आती है। बिल्कुल, जो इनका टोटल है ना वो टोटली चेंज नजर आता है कि स्कोर बोर्ड इनका बड़ा तेजी से चलता है, दूसरे बैट्समैन है ना फिर इनके इर्द गिर्द खेल रहे होते हैं और फिर इनकी बॉलिंग में ये वाली एबिलिटी है लाहौर की क्योंकि ये उसको डिफेंड कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कि जिस तरह अगर मिसबा ने जिस तरह कहा था कि मेरी फखर से बात हुई है, उसने कहा मैं सारा स्कोर फाइनल के लिए रोक रखा है, अगर ये इस तरह हो जाता है तो मेरे ख्याल में लाहौर के लिए ना ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मुल्तान के लिए ये जरूरी नहीं है क्योंकि जो उनके काफी सारे बैट्समैन है कि पिछले मैच में जिस तरह पोलार्ड ने नीचे से आके एक अच्छी इनिंग्स खेल दी थी, हालांकि टॉप ऑर्डर को पकड़ लिया था। पिछला मैच भी था कि अगर ये 71 पे आउट हो गए थे, 70-75 पे आउट हो गए थे, तो अगर पोलार्ड रन ना करता इन्होंने मुल्तान को भी 100-125 पे पकड़ लिया था। बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन आज का जो क्रूशल जो आदमी होगा ना तो वो फखर जमान है कि उसकी परफॉर्मेंस है ना बहुत इम्पेक्ट डालेगी इस मैच के रिजल्ट पे। सवेरा जी लाला, आपने क्योंकि जाना है तो जाते जाते एक मैं जरूर सवेरा मैं ये कह रहा था कि हम मुल्तान की बैटिंग की बात तो करते हैं लेकिन मुल्तान की बॉलिंग भी कम थोड़ी है। मुल्तान के आपके दोनों फास्ट बॉलर देखे हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, स्पिनर आपके पास टॉप है, तो बॉलिंग तो उनकी भी बहुत जबरदस्त है।